दिस वन फर्स्ट टाइम आई एम सीइंग दिस। सब क्लोज हो गया, ओपनिंग एट 3:30 AM भैया के यहाँ हमने खाना खाया और बहुत ही अच्छा लगा। लोकल डिश इन्होंने पता नहीं क्या क्या खिलाया, मैं तो नाम ही बोल गया। शांति हिंदू ने, इंडियन ने, शांति तो इनके हमने खाना खाया, बहुत टेस्टी था और खूब खा लिया भाई, पेट भर गया। अब चलते हैं, अब मछली की मार्केट अच्छे से देखेंगे हम। लेट्स गो, थैंक यू, वेरी टेस्टी। भाई पेटा का जो बस स्टैंड है, बहुत बड़ा बस स्टैंड देख रहे हैं, ऐसे बीच में आने जाने के लिए बना है और ये प्लेटफॉर्म टाइप के बने हैं। तो हमें बताया गया है कि अगर आपको पहली कोटा जाना है तो 138 नंबर बस पकड़नी होगी। क्या बोल रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, भाषा वाषा तो भाई समझ में नहीं आ रही। ये 4 नंबर की बस है, ये देख रहे हैं ऐसे क्रॉस करते चलाया, कितनी लाइन में बसें लगी हुई है यहाँ पे, ये सारी बसें खड़ी हैं भाई। 4 नंबर 92, ये शायद ख़त्म हो गया अभी तो आके। पहलियो गोडा बस 200 138 बस आल्सो गोइंग पहलियो गोडा। वेयर वी हैव टू पिक अप द बस? आउटसाइड, स्टैंड आउटसाइड। ओके, थैंक यू भाई। इस स्टैंड के बाहर जाकर के मिलेगा कहीं 200 नंबर की और 138 नंबर की बस मिलेगी। लोकल घूमने का मज़ा यही है जब आप लोकल बस पकड़ते हैं। बहुत सारे खाने पीने की दुकानें हैं, बस अड्डे की दुकानें भाई। ये सेब वो कहाँ से आता होगा यार, कश्मीर का सेब होगा। हेलो सर, हाउ मच केजी एप्पल? केजी नहीं, एक पीस 150 रुपीज़। वन पीस, हाउ मच? 150 वन पीस, यस। ओ माय गॉड, दैट इज इन माय कंट्री, इन कश्मीर। दिस कमिंग फ्रॉम कश्मीर, इंडिया, शिमला एंड कश्मीर, साउथ अफ्रीका एप्पल एंड कश्मीरी एप्पल, दैट इज 100 रुपीज़ पर केजी, पर केजी 100 रुपीज़। आई थिंक श्रीलंकन रुपीज़ 100 मीन्स 3 times मोर 400 रुपीज़, श्रीलंकन रुपीज़ 1 kg। थैंक यू, ओके वेलकम। 150 रुपये का एक सेब है। और अब मतलब यहाँ तो सेब होता नहीं है, सारा ये बाहर से आता है। इतने बड़े बड़े अंगूर दिख रहे हैं, सेब दिख रहे हैं यहाँ पे ना। एप्पल क्या बोल रहे हैं, उधर से बस मिल रही है। 187 एयरपोर्ट फोर्ट जाने के लिए बस है भाई, ये बोला है बाहर चले जाओ, देखते हैं कहाँ मिलती है बस। 5 नंबर, और ये देखो जहाँ जाओ यार वहीं से दिखता है ये टावर ने, जिधर जाओ उधर से टावर नज़र आता, ऐसे लगता है कि हम इसी टावर के आगे पीछे घूम रहे हैं बड़ी देर से। 5 नंबर बस, बहुत बड़ा बस अड्डा है यार पेटा का, मतलब आदमी गुम हो जाए यार यहाँ तो। मुझे लगता है हम उस पार जाएंगे तो ही मिलेगी बस, रोड के उस साइड है बहुत सारी बसें आती हैं। हेलो भाई, यहाँ सिक्योरिटी लगी हुई है, लोकल सिक्योरिटी चेक करने के लिए चीज़ों को। हमको रोड क्रॉस करना है भाई, अब ये दो भाई जा रहे हैं तो इन्हीं के पीछे लग लेता हूँ, ये ज़्यादा अच्छा है। यहाँ भी वो सिस्टम है, हाथ दे करके थोड़ा इशारा करने का, भाई हम क्रॉस कर रहे हैं थोड़ा बचा के, हमको छोड़ दो। ये है 261 बस नंबर 261। थोड़ा सा जब लोकल जब हम ट्रेवल करेंगे तो हमें आइडिया आ जाएगा कि कैसे बस पकड़नी है ना। 275 नंबर की बस है आगे, यार थकान हो जाती है।
38 आ गई भाई, ये वाली बस है, ये जाएगी। पहली हो गोटा, ओके हाँ, सीट है कि नहीं सुन बैठने के लिए, वेर ट्विस्ट है, नो सीट ये चलो भाई बस पे बैठ जाते हैं भाई। जिस बस में बैठे हैं ये देखिए, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हैं, गणेश लक्ष्मी गौतम बुद्ध और सारे देवी देवताओं की लगी बस मूर्तियां। पेलिया गोड़ा जो है हमें बस ने उतार दिया है, अब यहाँ पे किसी से लोकल से पूछते हैं कहाँ पे है वो दुकान, थोड़ा आगे चलते हैं, आई थिंक आगे ही होगा पेलिया गोड़ा में, जो फिश मार्केट है वो आगे ही होना चाहिए। और अगर आपको बस में ट्रेवल करना आ गया तो समझिए कि इजी है, आप समझिए कि 50 रुपये में मैं जो है पेटा से पेलिया गोड़ा आ गया, 50 रुपये का मतलब 15 रुपये मान के चलिए, 15 रुपये में यहाँ पहुँच गया। तो यहाँ पे पूछता हूँ, किसी से बात करता हूँ कि भाई द फिश मार्केट, बिग फिश मार्केट ये पेलिया गोड़ा, दिस इज पेलिया गोड़ा बिग फिश मार्केट, दैट्स राइट, वॉकिंग ओके। तो भाई ये मिल गए हैं, ये लोग हमें ले जाएंगे फिश मार्केट ले जाएंगे, कह रहे वॉकिंग से चले जाएंगे। हाउ मच डिस्टेंस इज देयर, हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस 1 किलोमीटर, 500 मीटर, 1 किलोमीटर, दैट इज ए फिश बिग मार्केट, ओके कोलंबो का बिग मार्केट है, तो कोलंबो का भाई बता रहे हैं कि बड़ी फिश मार्केट है, चलते हैं। भाई अभी हम पेलिया गोड़ा से पीछे साइड की ओर जा रहे हैं और यहाँ पे पेंटिंग बनी है, मतलब पेड़ों को मत काटो, और उसमें बहुत सारी पेंटिंग बनी है, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, बच्चे नहीं सर्वाइव करेंगे, पेड़ काटने का मतलब जो है आप बच्चे को मार रहे हो, इस तरह की पेंटिंग इसके अंदर बनी है। और ये बगल में पीछे जो है बहुत बड़ा एक हाईवे बन रहा है, तो ये भाई लोग हमारे ले जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप लोग चलो ले चलते हैं, कोई बड़ी फिश मार्केट है पेलिया गोड़ा में, वहाँ ले जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ ले जाएंगे भगवान जाने पर विश्वास कर लिया है, साथ साथ में जा रहे हैं, प्यास लग रही है, लग रहा है 150 रुपया खर्चा करना पड़ेगा भाई पानी के लिए, आधा लीटर 100 रुपये और 1 लीटर जो है 150 रुपये, तो 150 रुपये खर्च करने पड़ेंगे लग रहा है पानी के लिए। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बस में तो बहुत गर्म लगता है भाई, मतलब यहाँ बिना एसी के तो गुजारा ही नहीं है, कूलर वूलर का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि कूलर जैसी ठंडा हवा तो ऐसे हवा में चल रहा है, और अगर एसी है तो बेटर है, क्योंकि ह्यूमिडिटी मुझे लगता है कि पूरे साल ये 90% 80-90% यहाँ पे रहता है, आगे काफ़ी आगे मुझे लग रहा है 600-700 मीटर आगे। भाई पूछता हूँ कितनी दूर और है, हाउ मच डिस्टेंस अब, बट यू नो दिस मार्केट, फिश मार्केट यू नो बट डिस्टेंस सर नो आइडिया, ओके तो बता रहे डिस्टेंस का कोई आइडिया नहीं है कितना दूर है, चलो देखते हैं कितना दूर है। भाई जो दोनों लड़के थे ना वो चले गए, एक उधर चला गया एक उधर चला गया, और पिछले 1 किलोमीटर से हम आ रहे हैं, चलते चलते भूख लग गई है। अब पेलियो गोड़ा जगह है, सोच रहे हैं कुछ खा ही लेते हैं, यार भूख लग गई बहुत तेज है, 1 किलोमीटर चलने में भूख भी लग रही है, पसीना भी निकल रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, हालत ख़राब हो जा रही है पैदल चलने में। ये
देखो कुछ मार्केट इस तरह की है भाई। सिंगर कंपनी है, बहुत सारा सामान बेचती है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल आइटम, घर के सारा सामान बनाती है। इधर लकड़ी का स्टोर है भाई। थक गया भाई, लकड़ी के स्टोर चलते पानी मांगते हैं भाई। ये टिम्बर के हाउस में गया था और मेरी हालत देख करके उन्होंने मुझे, मैंने पानी मांगा भाई, सही बताऊँ तो एक बड़ा सा ग्लास पानी पी लिया, लेकिन बहुत अच्छे थे और बड़ा रेस्पेक्ट है भाई, इंडिया वालों का स्पेशली बहुत रेस्पेक्ट है। तो ये पहले बता रहे कि बाज़ार जो है कोलंबो का सबसे बड़ा फिश मार्केट है, और पहले पेट्टा में था ये, अभी जो है ये पेट्टा से जो है इधर पेलियागुड़ा में आ गया। तो इसको देखने के लिए जा रहा हूँ, इधर कितनी महक आ रही है इस गाड़ी से ना, 500 मीटर दूर बता रहे हैं। चलो पैदल भी चलना चाहिए, पर ये अगर पैदल चलना है तो बिना पानी के भाई नहीं रहा जाएगा। अब इधर शायद पानी का रेट थोड़ा सस्ता हो, पूछ के देखता हूँ। पर यहाँ बारिश तो बहुत होती है, पानी की कमी तो होनी नहीं चाहिए, क्यों कमी हो जाती समझ में नहीं आता। अरे ये तो चीड़ का पेड़ है भाई, ये देखो, इसका मतलब यहाँ चीड़ का पेड़ होता है। ये सारा ये पता नहीं किस चीज़ का भाई, ये लकड़ी का स्टोर है। यहाँ पता है वो जो टिकट होता है लॉटरी टिकट, उसका चलन बहुत ज़्यादा है भाई यहाँ पे ना, लॉटरी टिकट का चलन बहुत ज़्यादा है। मुझे लगता है कि आगे जाना पड़ेगा। वेयर द फिश मार्केट, फिश मार्केट, बिग फिश मार्केट, दैट्स इट। पता नहीं यार, बता नहीं रहा है कहाँ पे, इसको पता नहीं, जानकारी नहीं है भाई। कोलंबो के सबसे बड़ी जो मछली की मार्केट है उसमें आपका स्वागत है। चलते हैं फिश की मार्केट में, देखते हैं क्या क्या चीज़ें उपलब्ध हैं भाई। सेंट्रल फिश मार्केट कॉम्प्लेक्स पेलियागुड़ा, शायद कभी ये पेट्टा में था, अभी पेलियागुड़ा में आ गया है। बहुत बड़ी मार्केट और ये होलसेल मार्केट है यार ये ना, क्लोज ओपन। हाँ सब बड़े बड़े जूते पहने हैं यार यहाँ पे, जी देख रहे हैं पूरा भाई, ये इतना बड़ा मछली का मार्केट है ये, लेकिन मछलियाँ ज़्यादा दिख नहीं रही हैं यहाँ पे। यार मछली तो है नहीं, छूटे इतनी दूर से आ गए, शायद सुबह ही खत्म हो गई। फिश नो फिश, फिश नथिंग इज शोइंग फिश दैट साइड भाई। मछलियाँ जो है ख़त्म हो गई, लेकिन कुछ दिख रही है मछलियाँ, कौन कौन सी वैरायटी की है पता नहीं भाई। ये है मछली, ये रोहू, रोहू भाई, कैन मेक वीडियो, वीडियो वीडियो बना सकते हैं, वीडियो वीडियो हाँ वीडियो है भाई। ये देखो ये कौन सी मछली है यार, समुद्री मछली अजीब से दिख रही है।
ये देखो यार उसकी रखती है आई थिंक इसे प्रॉन, ये है प्रॉन। हाउ मच पर के जी? 1400 रुपीज़ पर के जी, आई थिंक इंडियन रुपीज़ 400 रुपीज़ पर के जी इंडियन रुपीज़। ये तो मछली का सिर लग रहा है, हेड 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 फिश हेड। अरे भाई ये हेलो नमस्ते नमस्ते इंडियन इंडियन सो मच बिग फिश ये तलाबात 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 या हिज नेम तलाबात। हाउ टू ईट इट? कैसे खाने को मिलेगा ये? हाउ टू ईट इट? वेयर आई विल गेट? वे शॉप मेकिंग दिस? ओके ओके प्रॉन्स प्रॉन्स हाँ यस यस गुड भाई ये हेड निकाल दिया उसने। दिस वन इज द बिग फिश। दिस वन मलेट मलेट दिस वन शेल फिश। हाउ मच केजी? हाउ मच केजी? 1 केजी 2500 2500 पर केजी। 1 केजी 1 केजी या ओके व्हाट इज दिस वन? एक एक फिश एग। फिश एग फर्स्ट टाइम आई हैव सीन दैट बिग फिश। दिस वन बिग फिश भाई। इधर देखो यार केकड़ा दिख रहा। अरे यार इसको क्या बोलते हैं? इसको क्या यार मछली की बात है? व्हाट इज दिस वन? लॉबस्टर लॉबस्टर या लॉबस्टर प्रॉन प्रॉन बिग प्रॉन या बिग प्रॉन। हाउ मच केजी? हाउ मेनी किलो? हाँ पर केजी रेट? योर कंट्री? इंडिया। इंडिया 2800 रुपीस पर किलो। 2800 रुपीस पर किलो पर केजी या। भाई ये वाली जो प्रॉन देख रहे हैं 2500 रुपए किलो है भाई ये वाली। एंड दिस वन वेरी लेस स्मॉल साइज स्मॉल साइज बिग साइज। और इसको इसका ये निकाल के रख दिया है। गुड क्लीन हां गुड क्लीन हेड नो क्लीन क्लीन एक और बड़ी मछली इधर। ये मॉर्निंग फिश मार्केट फुल या मॉर्निंग 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 ओके ओके टुडे मॉर्निंग 1:30 अच्छा 1:30 मॉर्निंग ओके 1:30 या नाइट इन द नाइट नाउ क्लोज ओके ओके 12 भाई 1:30 बजे रात को ये मछली की दुकान खुल जाती है। जाओ काना जाओ काना यूट्यूब वीडियो कंट्री को है कंट्री हुआ इंडिया लखनऊ लखनऊ इंडिया लखनऊ चौरसिया पी चौरसिया पी चौरसिया हाँ थैंक यू ओके बहुत सारे लोग भाई है। हिंदी हिंदी नो हिंदी भले सिंगला
भाई बहुत बड़ी मछली की बाजार है और सुबह 1:30 बजे रात को लग जाती है, अब तो खात्मे पर है और बहुत सारी मछली देखो अभी भी बिक रही है। ये केकड़ा है यार, ये ना ये देखो केकड़े में बिक रहा है ये। दिस वन ऑक्टोपस 1500 बिग फिश। इज देयर एनी होटल रेस्टोरेंट दिस फिश इज ईटिंग अवेलेबल? होटल होटल वेयर आई हैव टू ईट दिस वन फिश नियर बाई एनी होटल? नो इंग्लिश ओनली सिंगला सिंगला। तो भाई लोगों को सिंगल आती है इसलिए भाषा का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और बहुत सारी मतलब बाजार ये 1:30 बजे लगता है पूरी बाजार सस्ती होगी पर अभी सब खत्म हो गया है। ऑक्टोपस भी मिल रहा है यहाँ पर, अभी बस केवल सफाई हो रहा है जो ये हड्डी और वो खोपड़ी ओपड़ी बची हुई है, कांटे सांटे बचे हुए हैं उसका क्लीनिंग चल रहा है, सफाई चल रहा है। और ये श्रीलंका का मतलब श्रीलंका का वन ऑफ द बिगेस्ट फिश मार्केट है भाई। तो अभी कुछ लोगों की मछली नहीं बिकी है, दुकानें लगी हुई है। ये देखो कैसी फिश है, दिस वन फर्स्ट टाइम आई है। What is name of fish? Parau. This one octopus. Octopus. India. Right. Lucknow. चैनल हाँ करेक्ट यूट्यूब चैनल ट्रेवल विथ प्रभाकर हाँ। हाउ मच पर केजी दिस वन? 650 ओके एवरी शॉप्स आर क्लोज्ड, सब क्लोज हो गया। ओपनिंग एट 3:30 AM एंड द गुड टाइप ऑफ फिक्स आर एक्सपोर्टेड फ्रॉम हियर। इफ आई वांट टू ईट दैट फिश हाउ इट इज पॉसिबल? यू वांट टू यू हैव टू कुक बट वेयर आई हैव टू कुक? नो नथिंग इज विद मी, हाउ टू ईट इट? एनी शॉप इज देयर? नथिंग शॉप इज अवेलेबल टू दैट फिश। भाई कोई ऐसा शॉप अवेलेबल नहीं है कि जहाँ पे मछली को बना के खाया जा सके, लेकिन यह है कि मछली तो देख सकते हैं, अगर अपना घर होता तो ले जाके हम इसको बना करके कुक करके टेस्ट कर सकते थे। होलसेल मार्केट आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट मार्केट ऑफ श्रीलंका, बिगेस्ट फिश मार्केट ऑफ श्रीलंका। एवरी शॉप्स आर क्लोज्ड नाउ, अच्छा। तो भाई अब जो है मछली के बाजार का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, कैसा लगा देख करके कमेंट अवश्य कीजिएगा। अब इसकी साफ़ सफाई हो रही है, 3:30 बजे ही बाजार खुल जाती है, बट द पीपल ऑफ श्रीलंका आर देयर वेरी सपोर्टिव। लोग मतलब ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ वीडियो क्यों बना रहे हो, ऐसा कुछ मना नहीं करते, और भी पीपल आर सपोर्टिव, कुछ मज़े भी ले लेते हैं। थैंक यू, कीप वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा ज़रूर एक। थैंक यू, बाय बाय।
चालू थोड़ा थोड़ा।